यस, इसको नहीं अभी मैं कर रहा, मैं आ रहा हूँ, इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव इमेज क्रॉपी कर, एक दफा कैमरा चलाकर दिखाना है। ठीक है, इधर आया मैं और आता हूँ इधर, हमारे पास देखना इमेज क्रॉपी कर इंस्टॉल है, नजर आ रहा है? नहीं हुआ वह? कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और इमेज क्रॉप पिकर वो हम इंस्टॉलेशन पे लगा लेते हैं। ठीक है, वो गैलरी थी, अब हम कैमरा कर रहे हैं, कैमरे का फीचर क्या कैमरे का है? लेकिन फीचर वो करेंगे। हाँ, इमेज क्रॉप पिकर लाइब्रेरी वही है, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी वही है, अब कैमरे का फीचर करेंगे। तुमके मसले मसाइल आ रहे थे, वो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाए थे। ठीक है, मेरे पास 0.40.1 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, सही है। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ यहाँ पर। देखो भाई, कोई भी लाइब्रेरी हो ना, सबसे पहले आपने पट्टी देख लेनी है, ये कितनी बड़ी जा रही है। तुम्हें कोड इतना नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि चीजें हैं बहुत सारी। ठीक है, अब आते हैं जरा, इसको थोड़ा सा फोकस करो कि भाई क्या क्या बोल रहा है वो। ये तो चलो कोड हो गया, इसको हम बाद में देख लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं याद आएगा तो इसको देख लेंगे। तो ये उसके बाद में आता हूँ, ये सारे इसके जो प्रॉप्स हैं वो बता रहा है कि भाई क्रॉपिंग लगाओगे तो ये आएगा, विड्थ और हाइट वो दे रहा है, अगर मल्टीपल इमेजेस जो आपके पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ना वो ये है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप टू आईओएस का है, 3 भी iOS का है। अब आ जाते हैं एंड्रॉइड का, वेरी इंपॉर्टेंट, एड द फॉलोइंग टू योर बिल्ड डॉट ग्रेडल रेपोजिटरी सेक्शन। सही है, क्या बोल रहा है? बिल्ड डॉट ग्रेडल कौन सा वाला? एंड्रॉइड के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है। आते हैं, एंड्रॉइड के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल की फाइल है, एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल यही है, सही है, क्या बोल रहा है? जे सेंटर कहीं नजर आ रहा है? जे सेंटर कहीं नजर नहीं आ रहा। एड दिस, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, मेवन नाम के जो दो नजर आए हैं कॉपी कर लिया इनको, और इनको कहाँ पर ऐड करना, ऑल प्रोजेक्ट्स किधर है? गलत फाइल में तो नहीं घुस गए? एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना, बिल्कुल यही है। रेपोजिटरीज ठीक है, रेपोजिटरीज हमें नजर आ गया, जिसके अंदर गूगल वगैरह पड़ा हुआ है। रेपोजिटरीज मेवन कहाँ रखा हुआ है? ये मेवन सेंट्रल है। ठीक है, तो रेपोजिटरीज का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये दोनों चीजें रखनी है। ठीक है, यहां पर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास हो गई दोनों। एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जो है वो ये बिल्ड स्क्रिप्ट का होगी, जो कि मेन ब्रैकेट। ठीक है, एक काम हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है यूज सपोर्ट लाइब्रेरी एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, इसको बोला ये है ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है, उसमें आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई वो? वो बोल रहा है कि वेक्टर ड्रॉबल्स यूज सपोर्ट लाइब्रेरी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसको उठा लेते हैं। डिफॉल्ट कॉन्फ़िग, एंड्रॉइड का जो ऑब्जेक्ट है डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर, एंड्रॉइड एंड्रॉइड का ऑब्जेक्ट ये रहा, सही है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग ये रहा। सही है, ये हमने लगा दिया डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको भी और वापस आते हैं। यूज एंड्रॉइड एसडीके एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, सही है,
यहाँ पर आ जाओ और देख लो ये सारी चीजें। डिफॉल्ट वन पे टारगेट एचटीके वर्जन 27, टारगेट एचटीके वर्जन रूट प्रोजेक्ट डॉट ईएक्सई डॉट टारगेट एचटीके वर्जन ये डला हुआ है। डिफॉल्ट कॉन्फिग के अंदर टारगेट वर्जन ये डला हुआ है, और कंपाइल एचटीके वर्जन 27 वो किधर है? कंपाइल एचटीके वर्जन भी ये डला हुआ है। बिल्ड टूल वर्जन नहीं डला हुआ, बिल्ड टूल वर्जन नहीं डला हुआ। ठीक है, हम इसको जरा सा उठाते हैं, चलो इसको यहाँ से। हाँ कंपाइल एच टी के वर्जन के नीचे मैं इसको चिपका देता हूँ, 27.0.3। क्लियर है? सही है। और ग्रेटर देन 0.3, 34.3, मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है किसका? जीरो पॉइंट 40.1, ग्रेटर देन 0.35.0 से ग्रेटर ही है तो बस ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि इफ यू वांट टू यूज कैमरा इन योर प्रोजेक्ट ऐड द फॉलोइंग टू SRC एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML। सेव कर देते हैं इसको भी, और अब मैं लास्ट में आता हूँ, SRC मेन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML। सही है। यहाँ पे क्या चाहिए? कैमरे की परमिशन चाहिए। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पे चिपका दिया। और इफ यू वांट टू यूज फ्रंट कैमरा आल्सो ऐड द फॉलोइंग टू SRC मेन दिस दिस दिस। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं भाई, अगर आपको फ्रंट वाला फीचर यूज करना है तो। हाँ यस ठीक है, ये हमने लगा ली कैमरे की चीजें सारी। सही है, सेव करते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो ये है, क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सबसे पहले ये करना होगा, एक तो प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ, वो आपने लाजमी चलानी है, कंट्रोल टी ग्रेडल ग्रेडल क्लीन। यहां पर मैं आया और इस कमांड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेडल क्लीन, और डब्ल्यू यहां से मैं इसको हटा देता हूँ। और अब मैं कहाँ पर आता हूँ? मैं आता हूँ एंड्रॉइड का जो आपका फोल्डर है ना, उसके अंदर जाके आपने इस कमांड को रन करना है। किसी किस्म का आपके प्रोजेक्ट की अगर डिस्पेंडेंसीज में कोई मसला होगा या कुछ भी इशू होगा तो ये वहां उसको सॉल्व करेगा, और अगर यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो जाती है तो उम्मीद है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई मसला प्रोजेक्ट रन करते हुए नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, डेट मीन्स किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आया अभी हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। मैं बताता हूँ भी वो क्या कर रहा है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई सबसे पहले जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो हो है कौन सा। ठीक है, मैं अगर देखूँ यहाँ पर कमेंट्स को मैं रन कर रहा था, कमेंट्स को, फीडबैक को, अदर को, कमेंट्स पे मैं गया और कमेंट्स में क्या किया हुआ? कुछ भी नहीं किया हुआ बस। सही है, इसको जरा खोलते हैं, एप्लीकेशन को जरा रन कर लेते हैं। सही है कि हमारे पास आ क्या रहा है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे जो भी होगा। मैं आता हूँ यहाँ पर और कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने,
डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट फॉर रनिंग दी रिएक्ट नेटिव सर्वर और मेट्रो सर्वर। दूसरा दूसरा चलाते हैं ये, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। डबल सी सी एल एस एडीबी डिवाइसेस, क्योंकि मेरे पास फिजिकल डिवाइस है, एमुलेटर में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल डिवाइस कनेक्टेड है। एनपीएम रन एंड्रॉइड ANDROID। सही है, इसको रन होने देते हैं जब तक हम वेटिंग पर हैं। बिल्ड हमारी माशाल्लाह बन गई है और अब देखते हैं मोबाइल पे क्या आता है। कोई भी लाइब्रेरी वगैरह यस कोड, हाँ, वरना वो जो बंडल बनता है ना उसको पता नहीं होता कि यार नया क्या आया है। वो पैकेट डॉट जेसन को सिर्फ उस वक्त रीड करेगा जब बंडल नया बनेगा। बंडल क्या है? ये आपका बंडल है, रिएक्ट नेटिव का जो सर्वर है। ठीक है, सही है, हमारे पास कमेंट सेक्शन आ गया है। सही है, और अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, एक बटन लगा लेते हैं जो कैमरे वाला हमारा काम करेगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, डिबगर डी और डीबग। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से खोल लिया है और मैं जल्दी से जो है एक बटन बनाऊंगा और वहां पर काम स्टार्ट करूंगा। कौन सी स्क्रीन पे? कमेंट्स वाली स्क्रीन पे आता हूँ मैं। कमेंट्स स्क्रीन किधर है? यहीं से चलेंगे, ये आ गए हम, और यहाँ से उठा लेते हैं हम टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी कॉमा टचेबल ओपेसिटी, सही है। और ये जो मेरे टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, बल्कि इसको टेक्स्ट को लगा रहने देते हैं। लर्निंग कैमरा इन आर एन, ठीक है, और इसके नीचे एक टचेबल ओपेसिटी को यूज कर लेते हैं। टचेबल ओपेसिटी और सही है, और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया और सिलेक्ट इमेज। सही है, सेव करते हैं। मेरे पास कहाँ गया बटन भाई? सही है, इधर भी देखते रहो थोड़ा थोड़ा मोबाइल पर। सही है, ये मेरे पास, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे बटन दिखे। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट बी टी एन, और इसी को मैं लिख लेता हूँ बी टी एन डॉट टी एक्स टी। बटन टेक्स्ट, ठीक है, बटन टेक्स्ट, नीचे आता हूँ, बटन टेक्स्ट कलर कहाँ मसला आ रहा है? अच्छा सही है, BTN टेक्स्ट मैंने यहां से दे दिया ब्लू, और फॉन्ट साइज मैंने उसका बता दिया 16। सही है, और इसके अलावा मैं आता हूँ BTN BTN, मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस 10, और इसके अलावा मार्जिन हॉरिजॉन्टल, मार्जिन हॉरिजॉन्टल मैंने इसको दे दिया 10। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस में दे चुका हूँ। सही है, चेक कर लेते हैं क्या आता है। सेव कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू।
है, और इसको हम दे देते हैं विड्थ, हमें देनी होगी 100 100%। विड्थ मैंने इसको 100% दे दी है, और पैडिंग में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। फाइव बस सेव कर लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है। सही है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं वर्क कर रहा, मेरे पास मार्जिन हॉरिजॉन्टल नहीं वर्क कर रहा, उसको अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो तीन चीजें हैं इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे दोबारा। सेव किया, टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है, और इंस्टेड ऑफ 100% मैं इसको, सही है, 100% ही रहने देते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई ये जो मेन हमारा कंटेनर है ना, इसको आप कर दो पैडिंग हॉरिजॉन्टल कितनी 10। सेव किया, मेरे पास एक बटन रेडी हो। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा स्पेस से गैप देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, पैडिंग पैडिंग बॉटम और 10। सेव किया, मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, बटन हमारा रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ जल्दी से एक फंक्शन बनाऊंगा, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम कैमरा, कॉन्स्ट सिलेक्ट इमेज फ्रॉम कैम इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग वर्किंग PNG। ठीक है, सेव किया, और मैं वापस आ बटन को क्लिक कर रहा हूं, तो मेरे पास वर्किंग नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि सिलेक्ट इमेज फ्रॉम कैम को मैंने कहीं पर कॉल नहीं किया है। कहाँ कॉल करूंगा, ऑन प्रेस सिलेक्ट इमेज फ्रॉम कैम, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, अब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वो वर्किंग बता रहा है। ठीक है, दिख रहा है उधर, सही है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी पर, जो लाइब्रेरी मैंने यूज करी थी, और देख लेते हैं वहां से क्या चीज किस तरह मिल रही है। उसने बोला भाई सबसे पहले क्या करो कि लाइब्रेरी को लेकर आ जाओ। ठीक है, लाइब्रेरी को लेकर आए, अब ये क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, यकीनन आपको कोई प्रॉमिस रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस कोड को एसिंक्रोनस बना लेते हैं, एसिंक लगा लिया मैंने। ठीक है, और ट्राई कैच से काम करेंगे, या फिर सही है, हम ट्राई कैच से काम करते हैं, ट्राई कैच, और यहाँ पर सबसे पहले चलेगा अगर कोई मसला आता है। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल पिकिंग इमेज फ्रॉम कैमरा, ठीक है, कॉमा एरर, चल जाएगा ये जब भी हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा अब मैंने बना लिया, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, ठीक है, इमेज क्रॉप पिकर डॉट ओपन कैमरा। ठीक है, आपने यूज करना है डॉट ओपन कैमरा। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें आप बताओगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने हाइट बता दी भाई, हाइट दे देना कितनी, अब वो कितनी दे रहे हैं, 300 400, हाइट 400 दे देते हैं हाइट, और विड्थ जो है 300 दे दिया, और क्रॉपिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेस 64 चाहिए, बेस इज इंक्लूड बेस 64 इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और कंसोल करवा लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है।
ठीक है, सेव किया मैंने इसको, और उसके बाद एक दफा एप्लीकेशन को जाके रीलोड कर दिया। हाँ बताता हूँ क्या है ये अच्छा सवाल है, दोनों भाइयों का अच्छा सवाल है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले एक दफा जरा रन कर लें कि भाई आता क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लिया, और इसको भी क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ, और मैंने किया सिलेक्ट इमेज। आपके सामने एक पॉपअप उठकर आ गया है, ये परमिशन हैंडलर है, ये परमिशन हैंडलर है जो कहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ खोलो और मैं आपको अगर जाऊं और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये जो आपने परमिशन ऐड करी है, ये जो परमिशन पॉपअप जिसको आप ये देख रहे हो, ये वाला मोब डिवाइस के अंदर, ये इसकी मदद से आ रहा है। ठीक है, और मैंने जब इसको वाइल यूजिंग दी ऐप किया, तो उसने आपकी डिवाइस की गैलरी खोल दी, कैमरा खोल दिया है, क्योंकि मैंने मोबाइल नीचे रखा हुआ है तो वो उसको पकड़ नहीं रहा है। ठीक है, अब आप, मैंने यहां से कोई भी इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सही है भाई, देख लो, मैं बोतल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, बैग ही खोलेगा ना पहले, फ्रंट के लिए तो हमने फीचर लगाए हैं। क्लिक किया, सही है। अब ये बात सुन लो, क्या नाम है तुम्हारा, जमील, जो हाइट विड्थ दिया है ना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो ये है। सही है, और फिर जब मैंने इस पे क्लिक किया, तो फिर मेरे पास ये आपके पास डेटा आ चुका है। सही है, स्टोरेज इसको आप जहां मर्जी स्टोर करा लो। ठीक है, ये उसने आपको Base64 भी बनाकर दे दिया है, ये आप यूआरएल जहां भी यूज करोगे आपको ये डिवाइस की इमेज मिल जाएगी। अदरवाइज ये आप देख रहे हो पाथ, ये आपका एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये हर जगह वर्क इस वजह से नहीं करेगा, ये आपकी वो लेकर आ रहा है डिवाइस का जो पाथ है ना, जहां इमेज रखी हुई है वो लेकर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इमेज को रेंडर भी करवा लेते हैं। भाई फ्रंट इस वजह से नहीं ऑन किया, फ्रंट आप दबाएंगे ना तो अब ऑन होगा। सही है, अब उसको भी चला कर देखते हैं। मैं पहले इमेज का एक टैग बना लेता हूँ, जल्दी से एक स्टेट बना लेता हूँ, और मैंने यहाँ से बुलाई इमेज कॉमा इमेज और कॉन्स्ट दिस इक्वल टू यूज स्टेट, और जो कि इनिशियली नल होगी। सिलेक्टेड IMG कॉमा सेट सिलेक्टेड IMG। सही है, मैंने बोला कि यहां पर मैं आता हूं, यहां पर एक टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन लगा देता हूं। सही है, सिलेक्टेड इमेज अगर है तो रेंडर करो किसको, इमेज को, वरना फिर नल, वरना फिर शो ना। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको सोर्स सोर्स में SRC, सोर्स URI में मैंने क्या रख दिया, सिलेक्टेड इमेज। सही है, और जो कि होगी तो चलेगा, और मैंने स्टाइल बता दिया, स्टाइल इक्वल टू दिस दिस हाइट कॉमा 300 कॉमा विड्थ कॉमा 300। ठीक है, अगर सिलेक्टेड इमेज होगी तो ये रेंडर होगा, अदरवाइज ये रेंडर नहीं होगा। सेव किया इसको मैंने, और अब हम इसको दोबारा चला कर देखते। अच्छा हाँ सही है ना, वो क्यों क्यों उठाएगा भाई, मैं आता हूँ। सही है, डिवाइस उसने खोल के दे दिया, सिलेक्ट कर लिया,
और हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। जब ये डेटा आ गया, इसको सेट भी कराना होगा ना स्टेट में, डेफिनेटली, सही है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ रिस्पॉन्स अगर मुझे मिल जाता है, रिस्पॉन्स अगर मेरे पास है तो क्या करूँ, सेट सिलेक्टेड इमेज, इसके अंदर क्या रख दो, रिस्पॉन्स डॉट पाथ, ठीक है, सेव किया और दोबारा चला। सही है, इमेज मैंने सिलेक्ट करी है और क्लिक किया तो मेरे पास उसने इमेज आपको डिवाइस पर रेंडर करके बता दी। गैलरी के साथ सिखा चुका हूँ, मोबाइल के साथ भी बता दी, कैमरे के साथ भी बता दी है। जितनी बहुत ज्यादा यूज होने वाला फीचर है ये, बहुत ज्यादा, जहां पर भी इमेज लेने का काम होगा, सिलेक्ट करने का काम होगा, वहां पर डिवाइस गैलरी और डिवाइस कैमरा दोनों से ही आपको काम करना पड़ेगा। सही है, अब इसमें अगर किसी के कोई सवाल है तो वो पूछ लो पहले। सही है, तो मेरा पहला सवाल जवाब ये है कि भाई ये जो Base64 है, जब आपको ये वाली इमेज अब अगर किसी दूसरे डिवाइस में चाहिए तो ये किसी जगह पे स्टोर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये इमेज रखी हुई है, ये हर जगह नहीं चलेगा, ये हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा सवाल ये था कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि एसिंक स्टोर देन कैच यूज करना है या ट्राई कैच यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है लाइब्रेरी, जब आप किसी का कोड देखोगे, जो चीज आपने यूज करनी होगी वहां देन कैच लगा हुआ होगा, ठीक है। जो ट्राई कैच है और ये जो एसिंक का वेट है, ये आपके कोड की जो लाइंस ऑफ कोड है उनको कम करने के लिए बनाया गया है। यूज ही क्यों करना है, काम ट्राई कैच देन कैच के लिए कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, देन लिखो फिर उसके सक्सेस वाला कॉल बैक लगाओ, क्या एरर लिखो, कभी कभार जो है पहले देन में जेसन नहीं मिलता दूसरा देन लगाओ, इसमें ये सारा झंझट थोड़ी है। जब आप कोई ऐसी चीज यूज करोगे जिसका ताल्लुक आपके कोड से नहीं है, किसी थर्ड पार्टी लोकेशन से है, ये हमारे कोड इमेज पिकर का जो पीछे का कोड जो लिखा हुआ है, जो तस्वीर उठा के ला रहा है, वो कोड हमने नहीं लिखा ना, तो वो जब भी जावास्क्रिप्ट में आप यूज करोगे, एसिंक अवेट यूज करोगे, आप एपीआई कॉल के लिए एपीआई कॉल करते हो, वो किसी का कोड है ना, अपने पास से लाना होता है, एसिंक अवेट या प्रोमिस आपको यूज करना पड़ता है। नहीं, कहाँ चलेगी, मैं आपके सामने हटाता, ठीक है, ये आपके सामने, इसको मैंने इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं आर। सिलेक्ट इमेज, वो बोल रहा है कि उसने इमेज रेंडर करी, इमेज कैमरा आपको उसने खोल दिया है, इशू नहीं है उसको, लेकिन वो बोल रहा है कि एक प्रॉमिस उसने लाकर दे दिया, लाइन नंबर 17 को देख लेते हैं, 17 कहां पर है, लाइन नंबर 17 उसने ये लाके दे दिया, उसने बोला कि एक प्रॉमिस मिला है जिसमें ये सब कुछ उसने लाकर दे दिया है। अब मैं आपके सामने, सही है, क्लिक किया मैंने इसको और अब हम इसको लेकर जाते हैं, वो कुछ नहीं लाया, क्योंकि जो प्रॉमिस था हमने उसको ना सही टाइम पे इंतजार करने का बोला, ना सही टाइम पे चलने का बोला, सही है। अब ये जो एसिंक का वेट है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, जब ये वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जब रन होगा, सही है, आपने जो है ना इसके लिए वेट करना है, इसके लिए वेट करना है, उसके आगे लगा दिया अवेट, कौन वेट करेगा, ये वाला फंक्शन, तो इसके इसके बाद लगा दिया एस, नहीं लगाओगे तो देन कैच लगा लो।